आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फैंटेसी दूरदर्शन पे। मैं आपका भाई संदीप आपको आ गया हूँ दोस्तों विन कराने, आपको जताने है। तो दोस्तों जो आज का मैच हम कवर करने वाले हैं, जो खेला जाएगा कतर वर्सेस युगांडा की टीम के बीच में। दोस्तों दोनों ही टीमों में काफी बड़े प्लेयर खेल रहे हैं, जिसके बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि दोस्तों आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। आपको बता दूं कि दोस्तों जहां पे क्रिकेट के साथ साथ आप वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी और सभी तरह की प्रेडिक्शन की वीडियो दोस्तों इजली देख पाएंगे। और दोस्तों अभी आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों T20 सीरीज का जो पहला मैच खेला जाएगा, आपको बता दूं कि ये मैच दोस्तों दोहा में खेला जाएगा। दोहा की जो दोस्तों पिच है, ये दोस्तों ज्यादा पेस बॉलर को सपोर्ट करती है और ज्यादा रन दोस्तों जहां पे हमें देखने को नहीं मिलेंगे, ज्यादा दोस्तों पेस बॉलर को सपोर्ट करेगी। अगर दोस्तों मौसम के हिसाब से पिच ड्राई रहती है तो दोस्तों स्पिनर के पास भी ज्यादा चांसेस होंगे ब्रेक को निकालने के। तो दोस्तों लास्ट मैच जो जहां पे खेला गया था वो कतर वर्सेज जर्सी की टीम में खेला गया था। दोस्तों आपको बता दूं कि ये मैच अक्टूबर 19 में खेला गया था। और दोस्तों आपको बता दूं कि जहां पे पहले बल्लेबाजी करते हुए जर्सी की टीम ने 101 रन बनाए थे 9 विकेट खोकर, और दोस्तों जवाब में जहां पे चेज करने उतरी टीम कतर ने दोस्तों जे आंकड़ा 2 विकेट खोकर पूरा कर दिया था। तो दोस्तों एवरेज के हिसाब से जहां पे 150 के आसपास का स्कोर हमें मैक्सिमम देखने को मिल सकता है, एवरेज दोस्तों जहां पे हम 120 या 30 का स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं पिच को देखते हुए। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि जहां पे आप बल्लेबाजों की जगह पे ज्यादा ऑलराउंडर को ट्राई कीजिएगा, तो दोस्तों आप बेनिफिट में रहोगे। बाकी दोस्तों टॉस पे डिपेंड करेगा। मैं आपको बता दूं कि मैच के शुरुआती दौर में दोस्तों जो पिच है ये पेस बॉलिंग को सपोर्ट करती है, और जैसे ही दोस्तों मैच आगे बढ़ता है तो दोस्तों जो पिच है वो बल्लेबाजों को सपोर्ट करती है। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी तो दोस्तों आप उसके ज़्यादा बल्लेबाज मत लगाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि जो टीम सेकंड टाइम बल्लेबाजी करने उतरेगी उसके ही आप कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज कीजिएगा, तो आप लॉस में नहीं जाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे टीम कतर की। तो दोस्तों कतर टीम की बात की जाए तो बता दूं कि कैमरन खान और दोस्तों अर्शद दोनों ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे हमें टीम कतर के लिए। आपको बता दूं कि खान दोस्तों काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है, बट दोस्तों लास्ट मैच में जरूर फ्लॉप नजर आए। और दोस्तों इसके साथ ही प्लेयर अर्शद की बात की जाए तो दोस्तों 144 रन बना चुके हैं जे 4 इनिंग में। और दोस्तों आपको बता दूं कि कैमरन दोस्तों एज ए आप ऑलराउंडर खेलते हैं अपनी टीम के लिए, और दोस्तों 8.5 क्रेड में आपको अच्छे एक ऑलराउंडर भी मिल जाते हैं। अगर दोस्तों कैमरन खान बल्ले से फ्लॉप आए तो बॉलिंग के जरिए आपको बेनिफिट दे सकते हैं। कैमरन खान का दोस्तों लास्ट 5 मैच में 68 रन दोस्तों हाई स्कोर है। और इसके साथ ही प्लेयर की बात की जाए तो दोस्तों अरशद ने लास्ट मैच में दोस्तों 97 रन बनाए थे, हालांकि सेंचुरी से जरूर दूर रहे बट दोस्तों काफ़ी अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ खेले। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप दोनों ओपनर को जरूर मौका दीजिएगा, दोस्तों दोनों ही किसी भी लीग को एक तरफा करके दे सकते हैं। दोनों ही दोस्तों पावर प्ले के चलते खेलेंगे, और दोस्तों आपको बता दूं कि पावर प्ले के चलते जो फील्डिंग होती है घेरे के अंदर होती है, जिसके चलते थोड़ा सा वीएस वगैरह अगर लग जाता है तो ज़्यादा रन निकलने के चांसेस रहते हैं। और दोस्तों क्रेड के मामले में दोनों ज़्यादा महंगे नहीं है, कैमरन दोस्तों आपको 8.5 क्रेड में मिलेंगे और सर दोस्तों आपको 8 क्रेड में इजीली मिल जाते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर टीम दोस्तों कतर की कोई विकेट जल्दी गिर जाती है तो दोस्तों तीसरे नंबर पे जहां पे हमें कलंदर खान और दोस्तों चौथे नंबर पे मोहम्मद तनवीर खेलते हुए नजर आएंगे। आपको बता दूं कि दोस्तों कलंदर खान काफ़ी अग्रेसिव बैट्समैन है, बट दोस्तों अगर लास्ट 5 मैचेस का रिकॉर्ड देखा जाए तो दोस्तों कुछ खास परफॉर्मेंसेज उन्होंने नहीं किए अपनी टीम के लिए। दोस्तों लास्ट 4 मैचेस में दोस्तों 29 रन का हाईएस्ट स्कोर रहा है, और दोस्तों इनके साथ जाना थोड़ा सा रिस्की आपके लिए जरूर रहेगा। और आपको दोस्तों बता दूं कि मोहम्मद तनवीर की बात की जाए तो दोस्तों 15 मैचों में दोस्तों 4 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं, स्ट्राइक रेट भी काफ़ी अच्छी है, लगभग 130 के आसपास की इनकी स्ट्राइक रेट रहती है। तो दोस्तों मोहम्मद तनवीर के लास्ट 5 मैचेस की बात की जाए तो 63 रन दोस्तों इनका हाई स्कोर है। इसके अलावा दोस्तों 2 ब्रिक्स लेने में भी कामयाब रहे हैं 18 रन देकर। तो दोस्तों जहाँ पे आपके लिए कलंदर खान थोड़े से रिस्की जरूर लेने वाले हैं, दोस्तों काफ़ी बड़े प्लेयर हैं नो डाउट, बट दोस्तों ज़्यादा लंबा समय एक क्रीज पर नहीं टिक पाते, तो दोस्तों आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जहाँ पे तनवीर के साथ जाना जरूर रहेगा। तो दोस्तों आप बात करते हैं यहाँ पे मिडल ऑर्डर की। मिडल ऑर्डर में दोस्तों जहाँ पे हमें मोहम्मद रिजवान, जिनको दोस्तों बैट कीपर सेक्शन में रखा गया है ड्रीम 11 की ऐप पर, इनके अलावा दोस्तों कोरम शहजाद और दोस्तों इकबाल हुसैन चौधरी दोस्तों जो कि कैप्टेंसी करेंगे टीम कतर की, ये दोस्तों हमें मिडल ऑर्डर की बल्लेबाजी संभालते हुए नजर आएंगे। वैसे तो दोस्तों तीनों अच्छी खासी बॉलिंग भी कर लेते हैं, बट दोस्तों अगर बॉलिंग साथ साथ बल्लेबाजी की दोस्तों बात की जाए तो दोस्तों इकबाल हुसैन आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेंगे। दोस्तों दोनों के मुकाबले में काफ़ी अच्छी ये बल्लेबाजी कर लेते हैं, और दोस्तों इनके साथ जहां पे शहजाद का भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। आपको बता दूं लास्ट 5 मैचेस में दोस्तों 44 रन इनका हाई स्कोर है। इसके अलावा दोस्तों 2 ब्रेक्स लेने में भी कामयाब रहे हैं, जब जब इन्हें दोस्तों बल्लेबाजी करने का भी मौका मिलता है तो दोस्तों बखूबी रन बनाते हैं जी अपनी टीम के लिए। और दोस्तों जहां पे मोहम्मद रिजवान की बात की जाए तो बता दूं कि जहां पे अगर आप अर्नोल्ड अडवाणी को दोस्तों ड्रॉप करते हैं तो दोस्तों आप रिजवान को ट्राई कर लीजिएगा। अगर आप दोस्तों अपने टीम के किसी ब्रेक कीपर लगाते हैं तो मैं चाहूंगा कि यार रिजवान को ड्रॉप कर सकते हैं, ज्यादा ब्रेक कीपर को आप मत ट्राई कीजिएगा।
तो दोस्तों जहाँ पे अगर बॉलिंग की बात की जाए तो इकबाल हुसैन, तो दोस्तों अगर आप बल्लेबाज के साथ साथ बॉलिंग को देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं चाहूँगा इस प्लेयर को आप लगा सकते हैं। वरना दोस्तों जहाँ पे मोहम्मद अवेश मलिक, फ्रैंक और इनके अलावा दोस्तों मोहम्मद नदीम जैसे बॉलर की ऑप्शन आपके पास जरूर रहेगी। और आपको बता दूँ कि दोस्तों जहाँ पे जी मुनावेरा ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया दोस्तों, कंटिन्यूस विकेट निकाल रहे हैं अपनी टीम के लिए। लास्ट 5 मैचेस की बात की जाए तो दोस्तों नदीम ने जहाँ पे हैट्रिक लगा चुके हैं एक मैच में, इसके अलावा दोस्तों एवरेज हर मैच में एक विकेट निकालने में कामयाब रहे हैं। और इनके अलावा दोस्तों मुनावेरा की बात की जाए दोस्तों 3 मैचेस में दोस्तों जहाँ पे लास्ट मैच की बात की जाए तो 2 विकेट निकालने में कामयाब रहे थे और प्रीवियस मैच में दोस्तों 5 विकेट ले चुके हैं। तो दोस्तों दोनों आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगी, नदीम और मुनावेरा। मैं चाहूँगा कि आप दोनों को जरूर लगा लीजिएगा और इनके साथ अगर आप आल राउंडर इकबाल को लगा सकते हैं तो दोस्तों ये भी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं ओपनिंग टीम युगांडा की। तो दोस्तों युगांडा टीम का दोस्तों बैटिंग ऑर्डर है दोस्तों कुछ खास नहीं है। आपको बता दूं कि दोस्तों जो इनके ओपनर प्लेयर हैं तो दोस्तों काफी अच्छी फॉर्म में नहीं नजर आ रहे हैं, हालांकि काफी तजर्बा है दोनों ही प्लेयर्स के पास। तो दोस्तों इस टीम में जहां पे आरजी मुकाशा और अर्नोल्ड अटवानी दोस्तों दोनों हमें सलामी बल्लेबाज देखेंगे। आपको बता दूं कि दोस्तों अटवानी जो है दोस्तों इनका हाईएस्ट स्कोर दोस्तों लगभग 29 के आसपास करा है अगर लास्ट 5 मैचेस की बात की जाए, और दोस्तों मुकाशा का लास्ट 5 मैचेस का परफॉर्मेंस देखा जाए तो दोस्तों 16 रन इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है। बट दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप दोनों को मत लगाएगा, दोनों में से किसी एक को ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पे अर्नोल्ड अटवानी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगी। अर्नोल्ड अटवानी दोस्तों आपको बल्ले के साथ साथ दोस्तों ब्रेड कीपिंग के जरिए भी ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। अगर दोस्तों मुकासा जल्दी आउट हो जाते हैं तो इनके पास कोई चांसेस नहीं रहेगा हमें पॉइंट अर्न करवाने का। आप तो दोस्तों आपके लिए जहाँ पे अर्नोल्ड अटवानी एक बेटर ऑप्शन रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मुकासा को मैं चाहूँगा कि आप ड्रॉप कर दीजिएगा। तो दोस्तों जहाँ पे तीसरे नंबर पे हमें ब्रैन मैशा दोस्तों हमें बैटिंग करते हैं नजर आएंगे। आपको बता दूं ड्रीम इलेवन की ऐप पर दोस्तों इनको बॉलिंग सेक्शन में रखा गया है। दोस्तों ये मीडियम बॉलर आ जाते हैं। आपको बता दूं कि दोस्तों पिच को ध्यान में रखते हुए बॉलर्स के साथ जाना एक समझदारी की बात जरूर रहेगी, बट दोस्तों ये प्लेयर आपको बल्ले के साथ भी दोस्तों ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। आपको बता दूं कि दोस्तों लास्ट 5 मैचेस में अगर देखा जाए तो दोस्तों ये 4 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। तो दोस्तों आप आइडिया लगा सकते हैं कितने बड़े प्लेयर हैं। जैसे टीम इंडिया के लिए दोस्तों विराट कोहली खेलते हैं, वैसे ब्रैन मैशा खेलते हैं दोस्तों टीम जो गांडा के लिए। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि अटवानी के साथ आप ब्रैन मैशा को जरूर मौका दीजिएगा, तो आप लॉस में नहीं जाएंगे। तो दोस्तों युगांडा टीम का मिडल ऑर्डर दोस्तों ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपको बता दूं कि जो मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं दोस्तों आप ओपनिंग टीम के ही लगाएगा। आपको बता दूं कि दोस्तों जहां पे जो ब्रायन मशाबा हैं दोस्तों इन्होंने 40 रन बनाए थे, इनके साथ ही प्लेयर दोस्तों पटेल दोस्तों आते ही 0 बनाकर पवेलियन वापस लौट गए थे। तो दोस्तों जब मैं चाहूँगा कि आप ब्रायन को लगा सकते हैं, इनके अलावा अगर ज़्यादा टीमें बनाते हो तो दोस्तों आप पटेल को ट्राई कर सकते हैं। बट दोस्तों जहाँ पे नकरानी को मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टीमों के लिए ड्रॉप जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ब्रायन है जो आपको बल्ले के साथ साथ जहाँ पे दोस्तों बॉलिंग में भी ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। तो दोस्तों जहाँ पे लेट हिटिंग की बात की है तो आर अली शाह और दोस्तों नसबुग्गा दोनों हमारे पास बड़ी ऑप्शन आ जाती हैं। आपको बता दूं दोस्तों वैसे तो दोनों ही काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, बट दोस्तों दोनों ही स्पिनर बॉलिंग आ जाते हैं। अगर कोई दोनों में से पेस बॉलर आ जाता तो दोस्तों हम दोनों को लगा लेते, बट दोस्तों जहां पे अगर आर अली शाह का परफॉर्मेंस देखा लास्ट 5 मैचेस का दोस्तों 4 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं, और दोस्तों नसबुग्गा का अगर लास्ट 5 मैच का परफॉर्मेंस देखा जाए तो दोस्तों 5 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं। दोनों का एक जैसा परफॉर्मेंस रहा है, तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप दोनों में से किसी एक को लगा लीजिएगा, दोनों को मत ट्राई करिएगा। इनकी जगह दोस्तों किसी एक पेस बॉलर को आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों पेस बॉलिंग की बात की जाए तो बिलाल हसन और इनके अलावा अगमेरा दोस्तों दोनों हमें पेस बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, और इनका साथ देंगे दोस्तों जहाँ पे आर अली शाह और नसबुग्गा दोस्तों जो हमें स्पिन बॉलिंग अटैक करते हैं नजर आएंगे। और दोस्तों पकौना की बात की जाए तो दोस्तों काफ़ी मेन पेसर माने जाते हैं टीम युगांडा के, आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। इनके अलावा फ्रैंक नसबुग्गा की बात की जाए तो दोस्तों एज ए स्पिनर दोस्तों लास्ट सीरीज़ में दोस्तों जो 7 विकेट लेने में कामयाब रहे थे, बाकी आप किसके साथ जाना चाहते हैं जहाँ पे डिपेंड करेगा। तो चलिए दोस्तों अब ले चलता हूँ आपको सीधा ड्रीम इलेवन की ऐप पर, और दोस्तों मिलजुल कर बनाते हैं एक ड्रीम इलेवन की बेस्ट टीम। और दोस्तों जो फाइनल दोस्तों टीम है वो जैसे ही प्लेइंग इलेवन अनाउंस हो जाएगी तो आपको मैं टेलीग्राम पर दोस्तों जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों जहाँ पर पहले से ही मैंने आप लोगों के लिए एक ड्रीम इलेवन की टीम बना रखी है, अगर मेरी टीम अच्छी लगे तो आप इसके साथ जा सकते हैं, वरना अपने हिसाब से भी चेंजेस कर लीजिएगा। तो आइए डीपली जानते हैं दोस्तों मेरी बनाई हुई टीम के बारे में। तो दोस्तों जे है मेरी टीम। आपको बता दूंगी दोस्तों अगर बैट की सेक्शन की बात की जाए तो अर्नोल्ड अटवानी को मैंने लिया है। दोस्तों अगर ज़्यादा टीमें बनाते हैं तो मोहम्मद रिजवान को भी आज जरूर ट्राई कर सकते हैं। फैजल जावेद के खेलने के चांसेस नहीं है, जिन भाई ने लगा रखा है तो दोस्तों प्लीज़ ड्रॉप कर दीजिएगा। और दोस्तों जहाँ पे हमें HLM दोस्तों खेलते हुए नजर आ सकते हैं दोस्तों प्लेइंग 11 में, बट दोस्तों इनका भी अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं हुआ है। अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती है मैं आपको टेलीग्राम पर जरूर दोस्तों इन्फॉर्म कर दूँगा। तो दोस्तों जहाँ पर मैं अर्नोल्ड अटवानी के साथ जाने वाला हूँ। बल्लेबाजी सेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों जहाँ पे मैंने तनवीर को ट्राई किया, इनके अलावा दोस्तों मुकाशा एक बड़ी ऑप्शन आ जाती है। स्लैट रेट को चलते दोस्तों आप इस प्लेयर को भी जरूर लगाएगा, चाहे आप ग्रैंड लीग खेलो या स्मॉल लीग, दोनों के लिए जे भी एक बेटर ऑप्शन रहने वाले हैं। तो दोस्तों पिच को कंडीशन में देखते हुए दोस्तों ध्यान में रखते हुए मैंने जहाँ पे ज़्यादा बल्लेबाज नहीं लिए हैं तो दोस्तों इनकी जगह मैंने ज़्यादा ऑलराउंडर को लगाया और बॉलर्स को मौका दिया है। तो दोस्तों जहाँ पे मैंने तनवीर, इनके अलावा मुहाजा
और इनके अलावा दोस्तों अशरद को मौका दिया है अपनी टीम में। अशरद दोस्तों आपके लिए ग्रैंडली के लिए बेटर ऑप्शन आएगी, स्मॉली के लिए मैं चाहूँगा इनकी जगह आप दोस्तों इब्राहिम को ट्राई कर लीजिएगा। तो दोस्तों कम कैट में आपको अच्छे प्लेयर भी मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे ऑलराउंडर की बात की जाए तो एन शर्वर, इनके अलावा दोस्तों वैश्मा और दोस्तों जहाँ पे के खान को मैंने मौका दिया है। और बॉलिंग जोन की बात की जाए तो दोस्तों बी मशाबा, इनके अलावा दोस्तों जहाँ पे एक स्पिनर नसबुग्गा को लगाया है, नदीम को मौका दिया है और दोस्तों के शहजाद दोस्तों इस इन प्लेयर को मैंने अपनी टीम में रखा है। अभी करते हैं मेरी पूरी टीम का पर भी। तो दोस्तों ये है मेरी टीम, एक बार आप पॉज करके भी जरूर देख दीजिएगा। आपको बता दूं जो टीम मैं आपको देता हूं खुद भी वही लगाता हूं, हार रहे हैं साथ में जीतेंगे भी साथ में। तो दोस्तों आपको बता दूं जहां पे कैप्टन मैंने के खान को रखा है, ऑलराउंडर को रखा है। दोस्तों अगर ये दोस्तों अच्छी फॉर्म में नजर आए तो दोस्तों बॉलिंग और बल्लेबाजी दोनों में हमें ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, जिसके चलते हमारी रैंकिंग है जो इंक्रीज ज़्यादा हो सकती है। तो दोस्तों जहाँ पे वाइस कैप्टन की बात की है तो मैंने अर्शद को ट्राई किया है। दोस्तों आप अडवानी को भी ट्राई कर सकते हैं, पर थोड़े से रिस्क जरूर लेने पर रहने वाले हैं, पर दोस्तों अगर ये अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं दोस्तों आपकी रैंकिंग है जरूर इंक्रीज होगी। अगर आपने कोई भी लीग जीतनी है थोड़ा सा रिस्क तो जरूर उठाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों ये है मेरी टीम, आप पॉज करके भी जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।